कतरास थाना क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले दो युवकों की दम घुटने से मौत। सोमवार को कतरास थाना क्षेत्र के आमटार बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों को पता चला कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले दो युवकों की मौत दम घुटने के कारण हो गई। बताते चले कि कतरास थाना क्षेत्र के आमटार बस्ती में भुवनेश्वर प्रसाद वर्णवाल के मकान में किराएदार के रूप में रह रहे कृष्णकांत तिवारी और पवन तिवारी, जो निदान म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नाम से माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाते थे। रात में खाना खाने के बाद दोनों युवक अपने कमरे को गर्म रखने के लिए चूल्हे को कमरे के अंदर रखा, दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब काफी देर तक दोनों युवकों ने दरवाजा नहीं खोला तब मकान मालिक द्वारा दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि दोनों युवक बेसुध पड़े हुए हैं। मकान मालिक द्वारा तुरंत कतरास थाना को सूचना दी गई। मौके पर कतरास थाना के सब इंस्पेक्टर दिलीप टुड्डू अपने दलबल के साथ पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लिए एवं मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। सब इंस्पेक्टर दिलीप टुड्डू ने बताया कि कमरे के अंदर चूल्हा रखा हुआ था और कमरे के अंदर एक भी वेंटिलेटर और खिड़की नहीं है। संभवतः दम घुटने के कारण दोनों युवकों की मौत हुई है। दोनों युवक बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्या मामला है सर, बताया जाए। एक दूरभाष द्वारा सूचना मिला कि एक रेंटर का गेट नहीं खुल रहा था, अंदर से बंद किया हुआ था। इसकी सूचना पर हम लोग आए और मालिक द्वारा ही खोल करके देखा गया कि एक रेंटर उनका है, अंदर से बंद करके एक चूल्हा घुसा करके रूम को गर्म रखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि दम घुटने से शायद मृत्यु हुआ होगा। कितने लोगों की है? दो लोगों की है। दोनों का नाम सर? एक है कृष्णकांत तिवारी और एक है पवन तिवारी। लोग कहाँ रहने वाले मूल रूप से? ये लोग अभी तो जांच किया जा रहा है, पता चला है कि बिहार के रहने वाले हैं और कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में काम करते थे। यही है, अभी जांच पड़ताल चल रहा है। आपका शुभ नाम सर? सब इंस्पेक्टर दिलीप टुड्डू।